नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन प्राइम न्यूज। प्रदेश सरकार इन दोनों आयुर्वेद के महत्व को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है, और क्योंकि आयुर्वेद का उपचार कहीं ना कहीं कारगर साबित होता है। यह उपचार लंबा जरूर होता है, लेकिन इसके परिणाम बेहतर होते हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजन लाल शर्मा के निर्देशों की पालना में प्रदेश के सबसे ऊंचे शहर माउंट आबू में पंचकर्म चिकित्सा पद्धति कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के 46 पंचकर्म केंद्रों के प्रभारियों ने भाग लिया। आयोजित संगोष्ठी में राज्य के प्रभारी चिकित्सकों ने माउंट आबू की पंचकर्म चिकित्सा का अवलोकन किया कि किस प्रकार से राज्य में माउंट आबू के मॉडल के अनुसार पंचकर्म चिकित्सा को श्रेष्ठ बनाए और राजस्थान की जनता को बेहतर पंचकर्म चिकित्सा दे सके। पंचकर्म सेवाओं को बेहतर बनाने के सुझावों पर विचार विमर्श किया गया। हमारे संवाददाता ने सहायक निदेशक समन्वयक पंचकर्म आयुर्वेद डॉक्टर बीवी शर्मा से की खास बातचीत, देखिए एक रिपोर्ट। आप बताइए कि किस प्रकार से पंचकर्म के अंदर जो है लोगों को लाभ मिल रहा है, और कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर पंचकर्म चिकित्सा जो है अब नए आयाम तय कर रही है। पंचकर्म चिकित्सा को हमारे यहाँ शोधन चिकित्सा का नाम दिया है। दो चिकित्सा के दो प्रकार में बांटा गया, संस्मरण और संशोधन। संस्मरण चिकित्सा से तात्पर्य तो हमारा ये होता है कि हम प्रत्येक आयुर्वेद औषधालय और चिकित्सालय के अंदर दवाइयों के माध्यम से हम लोगों को ठीक करते हैं। संशोधन चिकित्सा वो चिकित्सा है जो जीर्ण स्वरूप की व्याधि है या जो लाइलाज बीमारी है, तो उनके लिए हम प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं पंचकर्म का, और उनके द्वारा ऐसी बीमारियों को लेते हैं जो कि जीर्ण स्वरूप की है और दोबारा से जिनका उत्पन्न नहीं हो। तो उसी क्रम में जैसे आज हमने हमारी इस कार्यशाला में डिसाइड किया कि फाइब्रॉइड जो कि महिलाओं का रोग है, जनरल बीमारी है, वहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय स्टेक्टोमी के, ऐसी स्थिति में हमारे डॉक्टर्स द्वारा कुछ चुनिंदा सेंटर पे इस पे वर्क किया गया है। इसी तरह पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ सब्सक्राइब का बटन दबाकर